स्पेशल उनके लिए स्पेशल तोहफा, मोतियों वाला। अच्छा सुबह सुबह का टाइम है, वजन थोड़ा शेट पड़ रहा है, चेक करें वजन। मोमी चोंच, अलिफ नौका, पलके देखें, बारीक बारीक मोती हैं इसके। अच्छा ये भजन, अगर सरिया वाले की छत तैयार ना हो गई होती ना, तो ये कबूतर मैं सरिया वाले को देता। इस कबूतर के अंदर कुछ कुछ तो ऐसा है जो मुझे नज़र आया है। अल्लाह जाने वजन किस नफीस उस्ताद के घर का ये। पंजे देखें इसके, पुख्ता सीर पंजे, पर देखें धुम से छोटे। ये देखें कितने अंदर पर हैं इसके, अजीब पर्सनैलिटी का मालिक है कबूतर जो है ना भजन। बल्कि देखें तो ऐसे लगता है टैडी और कमगर दोनों का बाप है। जो लोग कहते हैं ना कि मोतियों वाले सादे कबूतर, भजन इस तरह बच्चे उड़ाएगा कि कोई हिसाब ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, इसका रुआ, इसका घाटा, इसकी ये जो परियां है ना भजन, देखिए ना परी के ऊपर परी चढ़ी हुई है। ये वो चीज़ है जो कभी नॉर्मली नज़र नहीं आती कि परियों का जो इसका शेप है ना, इसको आप कैसे आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। मछली कभी अगर आपने साफ़ की हो या धोई हो, तो आप देखें वो मछली वाला उसके जो बारीक बारीक उसके जो जिस्म पे पर होते हैं, वो सारे आपको साफ़ करके देता है, लेकिन फिर भी वो लगे रह जाते हैं। ये जो इसकी परियां है ना भजन, ये वो मछली शेप में। इसका परवाज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ दफ़ा एक हुसन होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लें आप, स्पेशल चीज़ होती है कोई। और ये कबूतर हमारे घर का नहीं है, अल्लाह जाने किस नफीस उस्ताद के घर का ब्लड है। लेकिन इसके खुश पंजे, इसका जिस्म, मजबूत जोड़ों का मालिक। और आपको पता ही है जब मोतियों वाला हो तो वो मेरा वैसे ही फेवरेट होता है, चाहे वो टैडियों में से निकला हुआ हो, चाहे वो कमगरों में से निकला हो। बात ये नहीं है टैडी जॉनसन बनाते हैं भजन, बेशुमार जॉनसन बनाते हैं, लोग माने या ना माने। ओपन वीडियो भजन, कैश पे चलेंगे इस बबर शेर कबूतर के लिए। आज दिल खुश हो गया सुबह सुबह ही।